सुरेंद्र, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके आवनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ से। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। सभी को पुस्तक मिल ही गई होगी और आप अपने पुस्तक का भी सहारा लेंगे और गद्य पाठ में आज हम आपको बताने जा रहे हैं हंसते हंसते जीना। हंसते हंसते जीना, हंसी, हंसी का महत्व आदिकाल से ही है। आपके पाठ में बड़े बड़े महापुरुषों की हंसी के बारे में बताया गया है, हंसने का क्या महत्व है, किस तरह हंसना चाहिए, दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए, मन ही मन खुश होना, प्रसन्न होना, हृदय को खुश रखना ही हंसी होता है। और ये क्या कहते हैं, बाहरी दिखाने के लिए जो लोग हंसते हैं उसको हंसना नहीं कहते हैं। तो अभी पाठ आप देखें कि पाठ शुरू हुआ है स्टालिन और गांधी जी से। स्टालिन रूस के बहुत बड़े नेता थे, स्टालिन और गांधी जी तो जानते ही है, विश्व में महान व्यक्तित्व में गिने जाते हैं। स्टालिन एक तानाशाह था, तानाशाह यानी डिक्टेटर। स्टालिन ने क्या किया था कि वह जोर जबरदस्ती से लाखों करोड़ों लोगों से अपनी बातें मनवा लिया था। लेकिन आप जानते हैं गांधी जी को कि वह प्रेम से, प्यार से सभी लोगों को अपने अनुयायी बना चुके थे है? तो गांधी जी जहां प्रेम स्नेह का सहारा लेते थे, वही स्टालिन जोर जबरदस्ती का सहारा लेता था। तो दोनों के ही अनुयायी थे, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या था, गांधी जी अपनी गलतियों पर ठहाका लगाकर हंसते थे, लेकिन स्टालिन ऐसा नहीं कर पाता था। तो जो हंसता है, जो हंसता है उस वही मित्र बनाने के काबिल होता है। हंसने वाले ही मित्र बनाने के काबिल होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है। जो लोग हंसते नहीं है, हमेशा दुखी रहते हैं या क्रोध में रहते हैं, है? वह अत्यंत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोग दूसरे को भी दुखी देखना चाहते हैं और दूसरों को तंग करना ही उनका मकसद होता है। हंसना, हंसना ईश्वर का एक वरदान है, महत्वपूर्ण वरदान है। और जो हंसी से वंचित है, हंसी से दूर है, वह दया का पात्र है। जिसको हंसी नहीं आती उस पर तो लोग दया ही कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि प्रतिदिन ढेर सारे खून खराबे हुआ करते हैं, झगड़े झंझट हुआ करते हैं। ये क्यों होता, क्योंकि हम लोगों के होठों से हंसी छिन गई है। सभी लोग चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, इसलिए उनके होठों पर, चेहरे पर मुस्कान नहीं आ सकती और वही लोग झगड़े झंझट में लगे रहते हैं। तो जब हम छोटी छोटी बातों को मान प्रतिष्ठा का बात बना लेते, विषय बना लेते हैं, जैसे कि दो बच्चे लड़ जाते हैं, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे नटखट होते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। उसके एवज में आप देखते होंगे कि बड़े बुजुर्ग भी हाथापाई पर उतर आते हैं। तो ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि बच्चे जब लड़ते झगड़ते हैं तो उसकी दुश्मनी नहीं होती, वह थोड़े देर के लिए ही एक दूसरे से लड़ते हैं, उसके बाद दोनों के बीच फिर आपसी मित्रता हो जाती है, दोनों साथ खेलने लगते हैं। लेकिन उनके जो अभिभावक होते हैं बच्चों को लेकर, आप लोग देखते होंगे कि लड़ झगड़ पड़ते हैं, तो ये उनकी मूर्खता है।
एक बार की बात है कि एक व्यक्ति तेजी से जा रहा था, वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। उसने कहा सामने वाले व्यक्ति से कि महाशय, इसमें तो गलती मेरी थी, कृपया मुझे क्षमा करें, और यदि आपकी गलती हो तो इसके लिए भी आप खेद व्यक्त न करें। आपकी भी गलती हो सकती है, लेकिन इसके लिए चिंता नहीं है, मेरी गलती है तो मुझे क्षमा कर दे। ये हंसी का यानी कि खुशी का विषय हो सकता है, लेकिन उसी के एवज में यदि आप कहते हैं हमको टक्कर क्यों मारा, तो टक्कर का जवाब तो टक्कर से मिल सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि थोड़ी सी भी चूक होती है तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, तो फिर हमारा जीवन खुशनुमा हो जाता है। यही नहीं, जो हंस सकता है वह अपने हार में भी हंसी खोज लेता है, है? और जो हंसी को अपनाता है जीवन में वह कभी पराजित नहीं होता, वह पराजय को भी जय में बदल देता है, है? एक किस्सा है, किस्सा छोटी कहानी को किस्सा कहते हैं, कि एक व्यापारी जो लाचार था वह शहर में चुनाव के लिए खड़ा हो गया, इलेक्शन में खड़ा हुआ व्यापारी। जब चुनाव का परिणाम आया, रिजल्ट आया चुनाव का, तो उसे केवल 3 वोट मिले हुए थे, 3 वोट मिले हुए थे। जब व्यापारी ने दुकान खोला तो उसने अपने दुकान के आगे एक नोटिस लगा दिया। नोटिस पर लिखा था कि कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफों के नाम बताइए जिन्होंने मुझे वोट दिया था। वो कौन से 3 बेवकूफ व्यक्ति थे जो मुझ जैसे बनिए को वोट दे दिया। तो यह भी हंसी का, हास्य उत्पन्न करने का विषय हो सकता है। तो इसके इस नोटिस पर कहानीकार कहते हैं कि सभी हंस रहे थे। अब वह हार कर भी वह व्यापारी जीत गया था, क्योंकि व्यापारी ने अपने हंसी के माध्यम से सबको वशीभूत कर लिया था। लॉयड जॉर्ज की सत्ता इंग्लैंड में रही है, तो लॉयड जॉर्ज एक बार भाषण दे रहे थे, तो एक विरोधी ने कहा कि महाशय, आप इस बात को भूल रहे हैं कि आपके जो पूर्वज थे वह गधा गाड़ी चलाया करते थे। पहले गाड़ियों को खींचने के लिए गधे का प्रयोग होता था, टट्टू का। तो विरोधी तो विरोध करेगा ही। लॉयड जॉर्ज के भाषण पर विरोधी ने कहा कि आपके जो पूर्वज थे वह गधा गाड़ी चलाया करते थे। लॉयड जॉर्ज को गुस्सा नहीं आया। देखिए जवाब क्या दिया। उन्होंने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल नहीं भूला कि मेरे पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे। गाड़ी तो मेरे घर पर अभी भी खड़ी है, लेकिन गधा गायब था, वह गधा आज मिल गया है? तो यह हास्य का विषय हो सकता है। तो आप बताइए कौन जीता, वो विरोधी जीता कि लौट जाए? बिना उत्तेजित हुए हुए उन्होंने उनको जवाब दे दिया जॉर्ज साहब ने। और एक किस्सा है, क्या किस्सा है, कि दो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति, मशहूर व्यक्ति, एक कीचड़ भरे रास्ते के किनारे से, थोड़ी सी पगडंडी होती है, जब कीचड़ होता है तो आप लोग देखते होंगे कि बगल से लोग थोड़ा सा रास्ता बना लेते हैं जिस पर कि बामुश्किल एक ही व्यक्ति चल सकता है। तो दो प्रसिद्ध व्यक्ति उस पगडंडी से आमने सामने से निकलना चाहते थे। अब एक ही निकल सकता है एक बार में। तो एक व्यक्ति ने कहा कि मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति ने गुस्से से सामने वाले को कहा कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उसके लिए मैं रास्ता नहीं छोड़ता। तो दूसरे ने उसे रास्ता देते हुए कहा कि मैं दुर्जनों को सबसे पहले रास्ता दे देता हूँ, दुर्जनों को मैं सबसे पहले दुर्जनों के लिए रास्ता छोड़ देता हूँ।
अब सोचिए कौन बड़ा, वो भी कहता मैं भी नहीं हटूंगा, तो वो भी गुरु जनता का पोषक होता। ठीक है, आगे देखिए, हर जो हंस सकते हैं, हंसने वाले हमेशा जीतते, हंसने वाले की हार नहीं होती, चाहे वह जिंदगी की लड़ाई कठिन से कठिन लड़ाई में फंसा हो, लेकिन जो हमेशा कठिनाइयों पर कठिनाइयों के आने पर भी हंसते रहता है वही जीतता है। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे, उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, बात बात पर लड़ती झगड़ती रहती थी, हमेशा बोलते रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुकरात उनकी भगझक को सुन रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि पानी से भरे एक बाल्टी को, पानी से भरे बाल्टी को सुकरात के सर पर उलट दिया। इस पर सुकरात बिना विचलित हुए कहा कि ठीक है भाई, पहले बादल गरजे और फिर पानी बरसा, पहले बादल गरजे यानी जो वो जो बकबक कर रही थी और फिर पानी बरसा। तो यार देखिए, क्रोध में भी हास्य की सृष्टि हो गई। संत तुकाराम बहुत बड़े संत रहे हैं हमारे देश के। एक बार जब वह भिक्षा मांग कर लौटे तो उसके हाथ में सिर्फ एक गन्ना था, गन्ना था। उसकी पत्नी ने देखा कि भिक्षा में यह केवल एक गन्ना लाया तो बड़ी क्रोधित हुई, उसने उस गन्ने को तुकाराम के पीठ पर दे मारा, वह गन्ना दो हिस्सों में बट गया। इस पर तुकाराम ने कहा, बड़े शांत से कहा कि तुमने ठीक किया, वैसे भी है हम दोनों को इसे बांट कर ही खाना था, मुझे तोड़ना ही पड़ता, तुमने तोड़ दिया, अच्छा किया। तो ये किस्से कहानी हंसी के बड़े ही जीवन में प्रेरणादायी है। आपने आचार्य चित्तमोहन सेन का नाम सुना होगा। जब एक बार वे देर रात घर लौटे तो उसकी पत्नी काफी गुस्से में थी। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य जी ने वह थाली अपनी पत्नी के सर पर रख दिया। इस पर पत्नी गुस्से में बोली कि यह क्या करते हो? तो आचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा माथा गर्म है, ये खाना ठंडा है, तो तुम्हारे माथे पर रखकर इस ठंडे पानी को और ठंडे खाना को गर्म कर रहा हूं। तो यहां भी क्रोध में देखिए हंसी की सृष्टि हो गई। या बेहतर था या उनसे लड़ लेना बेहतर था, लड़ लेना बेहतर कभी नहीं होता। तो एक बार नेहरू जी से कोई व्यक्ति उलझ रहे थे, उन्होंने बड़े खीज के साथ नेहरू जी से कहा कि हर मामले के दो पहलू होते हैं। तो तपाक से नेहरू जी ने कहा कि आप उस दूसरे पहलू को ही मानने वाले हैं और दूसरे पहलू के लिए अड़े हुए हैं। तो इस तरह नेहरू जी ने उसे बात बात में उसके क्रोध पर अपनी हंसी का फुहारा छिड़क दिया। मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, महामना मदन मोहन मालवीय, उनको एक नवाब ने दान में जूता दिया था। किसी कारणवश काशी में उड़े हुए उस जूते को नीलाम करने गए, तब नवाब साहब ने उस जूते को उसकी कीमत के 1000 गुना देकर उसे वापस ले लिया। तो इस तरह से मालवीय जी के जीवन में उस नवाब ने पुनः खुशियां ले आई। तो यह जीवन है जो हंसी खुशी से जीने का ढंग, कठिन परिस्थितियों में हंसना और क्रोध में भरे और दुर्जनों के प्रति भी सहजता दिखाना सिखाती है। तो हंसना एक कला है, हंसने की भी एक कला होती है। संसार में कई लोग हुए जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हंसी के माध्यम से सहज ही सरल रास्ता निकाल लिया। आप अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति
जॉर्ज अब्राहम लिंकन को जानते होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि लिंकन महोदय, राष्ट्रपति जब थे लिंकन महोदय, तो अपने जूते साफ कर रहे थे, तो किसी ने देखा तो कहा कि राष्ट्रपति जी आप अपने जूते साफ कर रहे हैं। तो इस पर लिंकन जी ने कहा कि मैं तो अपना जूता साफ कर रहा हूं, आप किनके जूते साफ कर रहे हैं। तो देखिए कितने आसानी से हंसी की सृष्टि हो गई। प्रेमचंद जी, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद जी, हमेशा बीमार रहते थे, गरीबी और अभाव से जूझते रहते थे। उनके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखी क्योंकि व्यवस्था थी। लेकिन एक बार एक कवि सम्मेलन से लौटते वक्त उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए थे कि मैं बाहर से नहीं हंसता हूं। जब मैं कवि सम्मेलन से या साहित्य सम्मेलन से वापस घर की ओर आता हूं तो वहां जो कवियों की भावभंगिमाएं देखता हूं तो मन ही मन हंसता हूं। इस तरह हंसना बहुत आवश्यक है। अब गांधी जी को ले लीजिए, उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था, लेकिन लेनिन, जर्मनी के चांसलर लेनिन ने लोहे और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई थी। लेनिन जो इतना कठोर था, वह दिल से गरीब था, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर गांधी जी ही हुए, क्योंकि उन्होंने हंसी के माध्यम से संपूर्ण विश्व को अपने कदमों में झुका लिया। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, हंसिए और खूब हंसिए, लेकिन तीन शर्त है। पहला कि हंसी का मुखौटा नहीं हो, यानी खोखली हंसी नहीं हंसनी चाहिए। जैसे आजकल लोग हंसते हैं, बिना मतलब के भी हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो केवल मुंह से हंसते हैं, उसका मन रोता ही रहता है या जलता ही रहता है। तो हंसता है तो हंसने का दिखावा नहीं करना है, दुश्मनों के मुंह पर झूठा नकाब न हो, जो दुश्मन है उसके मुंह पर पड़ा झूठा नकाब न हो। हंसी ऐसी न हो कि जिंदगी हंसी ऐसी न हो कि दूसरा सुनकर रोए साथ न हंसे। हंसी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले सुने तो उसकी भी हंसी निकले। हंसी जिंदगी से दूर भागने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी को और करीब लाने का नाम है। तो गाली गलौज से कोई फायदा नहीं होगा, झगड़े तकरार से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हंसिए, जी भर कर हंसिए, खुलकर हंसिए, मन से हंसिए, दिल से हंसिए, दिखाने के लिए मत हंसिए। यही इस पाठ का आशा है। तो आज आपने इस पाठ को देखा, मैंने संक्षेप में बताया, आप पुस्तक में पूरा पढ़ लेंगे, सभी के पास पुस्तक होगा ही, इसमें शब्दार्थ है सामने में, वह आप याद करेंगे और प्रश्नोत्तर याद करेंगे। अब गृह कार्य के लिए प्रश्नों को आप लोग नोट करें। आप पृष्ठ संख्या देखिए, पृष्ठ संख्या 14 और 15 में जो भी प्रश्न है उसका लिख करके फेयर नोटबुक में रखेंगे और उसे स्कूल खुलने पर जांच किया जाएगा और फिर उसका मार्क्स भी रिमार्क्स भी डाला जाएगा। तो पेज 14 और 15 का आप लोग गृह कार्य कर लेंगे आशा है। तो अब आपका यह पाठ आज यही समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।